पांचवौली पुलिस थाने में छेड़छाड़ और वसूली का मामला दर्ज कर आरोपी मानेवाड़ा निवासी कुणाल गणेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। ब्लैकमेल कर किशोरी को खुद के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करने, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी के साथ ही छेड़छाड़ और वसूली जैसे दर्जनों मामले आरोपी पर दर्ज बताए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं तो यूपीएससी के नाम पर 1,00,000 रुपए भी आरोपी द्वारा वसूलने का आरोप पांचवौली पुलिस स्टेशन में दर्ज है। ब्लैकमेल कर किशोरी को खुद के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करने वाला साथी, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ पांचवौली थाने में छेड़छाड़ और वसूली का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित किशोरी 17 वर्षीय है और उत्तर नागपुर क्षेत्र निवासी है। उसके पिता सरकारी सेवा में अधिकारी हैं। स्नैपचैट के जरिए उसकी पहचान अप्रैल 2021 में आरोपी कुणाल गणेश यादव मानेवाड़ा निवासी से हुई थी। कुणाल ने उसे प्रेम संबंधों में फांस लिया और इस दौरान उसने पीड़िता के अश्लील फोटो अपने मोबाइल में निकाल लिए। 19 अगस्त 2022 को उसने पीड़िता को कामठी रोड 10 नंबर पुलिया के पास मिलने के लिए बुलाया और यूपीएससी की तैयारी करने का झांसा देकर उससे 1,00,000 रुपए की मांग की। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी वह अपने खर्चे के लिए पीड़िता से कई बार रुपए ले चुका था। पुलिस स्टेशन पांचवौली थे, काल रोजी अपराध क्रमांक 1227/2022, कलम 384, 385, 354, 354A, 354D भादवी, तसेच 8 आणि 12 पोक्सोनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर गुन्ह्यातील जे फिर्यादी आहे त्यांची एक मुलगी आहे, वय 16 वर्षे, तिची स्नॅपचॅटवरून एका मुलाशी ओळख झाली। स्नॅपचॅट हे सोशल मीडियाचं ॲप आहे, त्याच्यावरून एका मुलाशी ओळख झाली। त्या आरोपीचं नाव आहे कुणाल गणेश यादव, वय 26 वर्षे, राहणार मानेवाडा दुर्गा मंदिरजवळ, पोलीस स्टेशन अजनी। ओळखी स्नॅपचॅटवरून ओळख झाली, ओळखीचं रूपांतरणानंतर मैत्रीत झालं आणि मग नंतर प्रेमामध्ये झालं। दरम्यान हा जो आरोपी आहे त्याने तिच्याशी अगदी संबंध वाढवले आणि तिला सांगितले की मला, मी यूपीएससीचं प्रिपरेशन करत आहे, मला पैशाची आवश्यकता असते, तर काही पैसे दे। सुरुवातीला 500 रुपये, 700 रुपये, 1,000 रुपये असं वेळोवेळी ती मुलगी देत गेली। परंतु आरोपीला समजून आलं की मुलीचे वडील हे चांगल्या पदावर सरकारी नोकरीला आहे, त्याच्यामुळे तिला त्यांनी वारंवार पैसे मागायला सुरुवात केली। जेव्हा मुलीने सांगितलं की माझ्याकडे पैसे नाही आहे, तेव्हा आरोपीने सांगितले की तुझ्या आई वडिलांचे जे दागिने आहेत ते मला आणून दे। तिने नकार दिला असता तिला त्यांनी धमकावलं की तू जर मला दागिने आणून नाही दिले तर मी आपले जे सोबतचे जे फोटो आहेत ते मी सोशल मीडियावर व्हायरल करेल आणि तुझ्या आई वडिलांना पण दाखवेल। त्यामुळे ती मुलगी घाबरून गेली आणि तिने तिच्या आईकडून आईचे जे दागिने होते, एक मंगळसूत्र, 2 सोन्याचे अंगठ्या, 1 चैन, असे 3 तोडे सोन्याचे दागिने त्याला नेऊन दिले। आणि जेव्हा बघ आता आई वडिलांना एका कार्यक्रमात जायचं होतं, त्यांनी कपाट उघडून बघितलं असं त्यांच्या लक्षात आलं की दागिने आपल्या घरी नाही आहे। त्यांनी मग मुलीकडे चौकशी केली तेव्हा मुलीने सत्य सांगितलं की असा असा मुलगा मला धमकावून पैसे आणि दागिने घेत आहे म्हणून। पीड़िता ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई तो कुणाल वसूली पर उतारा आया। उसने पीड़िता को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर खुद के ही घर में चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार डरी सहमी पीड़िता ने मौका पाकर मां के आभूषण चोरी कर कुणाल को दे दिए, जो कि 84,000 रुपए के थे। पीड़िता ने जब कुणाल से आभूषण मांगे तो वह फिर उसे धमकाने पर उतारू हो गया। इधर घर से आभूषण गायब होने से पीड़िता पर माता पिता का दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार उसने कुणाल को आभूषण देने की बात कबूल कर ली। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।